इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम अद्भुत भवन भगवान शिव मां सेवा के पावन विवाह महोत्सव का आनंद लिए। सत्संग भक्तों का जीवन धन है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन के कछु नाही। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्रीमानस जी को पूर्ण करते समय ये बात कहते हैं, जो रामोपासक हैं, प्रभु पासक हैं, उनको इस चरित्र से प्रिय कुछ नहीं है। जगत का सामान सम्मान आन बान शान कुछ नहीं। यही सम प्रिय, इसके समान कुछ है ही नहीं। वस्तुतः सत्संग किसी को जबरन नहीं सुनाया जा सकता, न सत्संग में रमाया जा सकता है। जीव अपने जन्माद्य संस्कार से आविष्टित होकर सत्संग में गति करता है। रंग ले, काशी में एक कहावत है, मन ना रंगाए स्वागत, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना आगे का अरविंद भैया बोल सकते हैं, हम सावधान रहते हैं। मन ना रंगाए, जिस कार्य में हमारा मन रमता है वो हम हैं। हम क्या हैं? हम वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं, हम वो हैं जो हम समझ रहे हैं, वो बताना भी नहीं चाहते। एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के बाहर 3 बोर्ड लगवाए। उसने लिखा कि हमारे यहां 3 प्रकार के फोटो निकाले जाते हैं। पहले फोटो का फीस 5 रुपया, आप जैसे हैं वैसे फोटो निकल आएगी, फीस 5 रुपया। आप काले हैं तो गोरी फोटो बनेगी, नाक नक से इधर उधर है उसको ठीक कर दिया जाएगा, 10 रुपया। विशेष ऑफर, आप जैसा चाहते हैं अपनी फोटो वैसी बनाएंगे, उसका शुल्क 100 रुपया। पहली वाले के 1 लोग नहीं आए, दूसरी वाले को अब 90 बचाने के चक्कर में 10 लोग आए, लेकिन तीसरी वाले की लाइन लगी रही। जैसा हम सोचते हैं वैसी फोटो निकलेगी। क्या अर्थ है? हम हमारे को भी देखकर हम ही से संतुष्ट हैं क्या? ये चिंतन का विषय है। आर उस सेटिस्फाइड, हम जो हैं
हमको ही हमारा दर्पण कहता है कि यू आर दिस वन, तुम ये हो, तो क्या हम संतुष्ट हैं? ये फोटो है हमारी, ये प्रतिबिंब है हमारा। यदि यहां हम सही हैं तो उपयुक्त जीवन है हमारा, नहीं तो तो कुछ भी बनाने का नहीं काम। बोले बाबा है शिव ही संभुगत कर ही सिगारा जटा मुकुट अही मोर सवार। कर दो स्वरूप तो यही रहेगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, स्वरूप यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये हमारी सहजावस्था है। गृहस्थ के कार्य से, देव कार्य से ब्रह्मा जी और श्री रघुनाथ जी महाराज की जो आज्ञा थी उसको पूर्ण करके बाबा एक दिन उठाए बाघंबर कैलाश के दिव्य शिखर पर और ले गए वट वृक्ष के नीचे। निज कर दासी नागली जटाओं में क्या गंगा मैया स्वभावान है, वो मुकुट है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नले नील कंठ लावण्य ले सोहबर विधुभा। कामनाओं के शत्रु, क्या नाम दिया बाबा ने। तब तक शांत नहीं हुआ जा सकता है जब तक कामनाएं नष्ट न हो। कामनाएं बहुत सताती हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी द्वावली रामायण में लिखते हैं, तुलसी ऐसो देवता आशा दे बिना से ये शोक समर्पयी विमोख भये अभीरा। आशा देवी एक ऐसी देवता है, ये नहीं वो नहीं है, ये नहीं वो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सुबह नहीं शाम नहीं दोपहर, दोपहर नहीं रात। आशा देवी विमुख भय अभिराम। अचिंत्य मेरे बाबा काम शत्रु बैठे सो
काम रिप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। खतरा, क्या खतरा? जो भजनानंदी होता है ना, उसका शांत होना खतरा है। भजन में रम गया, न जाने कब तक रमा रहेगा, जमा रहेगा। आप चिंतन करेंगे, भजन भी एक नशा है साहब। जिसको जो चढ़ जाए, विषय रस चढ़ जाए उसमें रम जाएगा, और भगवत रस चढ़ जाए उसमें रम जाएगा। मेरे बाबा, विगत कथा में एक पंक्ति स्मरण आई थी, बाबा जब जब सहज होते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, शंकर सहज स्वरूप संहारा, तब लागे अखंड अपार। यहां भी बाबा मेरे बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बनावट नहीं, मिलावट नहीं, रुकावट नहीं, सहज ही बैठे। माता ने देख लिया, बाबा ने बड़ी मधुर पंक्ति, पार्वती भल अवसर जानू, गई शंभो पर मातु भवानी, जाने प्रिया इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।